हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने टाइम का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली जब आप किसी कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क करते हैं जहां पर कि आपकी एक एक मिनट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, और साथ ही साथ आपको जब कॉर्पोरेट फील्ड में सर्विस करते हुए कई सारे ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिनकी एक टाइमलाइन होती है और आपको उन टास्क को टाइमलाइन के बियॉन्ड ही अपना ख़त्म करना रहता है, और तब दिक्कत ज़्यादा होती है जब आपको आपके टास्क के बारे में कोई रिमाइंड कराने वाला नहीं होता है। तो ऐसे में आपके फ़ोन में एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने पूरी डेली रूटीन को फॉलो करा सकते हैं, और वो आपको आपके जो भी रूटीन है या आपके जो भी टास्क रहेंगे उससे पहले ही आपको एक रिमाइंडर भी देगा, जैसे कि आप अपने टास्क को टाइम से स्टार्ट कर सकें, आप अपने एक एक मिनट से ज़्यादा आउटपुट ले सकें और अपने समय की बचत कर सकें, साथ ही साथ अपनी ग्रोथ भी कर सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल कैलेंडर के बारे में, जो कि आजकल हर किसी मोबाइल में बाई डिफॉल्ट आता ही है। अभी तक हम गूगल कैलेंडर को सिर्फ और सिर्फ डेट, दिन या फिर पब्लिक हॉलीडेज को देखने के लिए ही यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि उसका एक बहुत ही बेसिक सा यूज़ है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे यूज़ के बारे में जिसके बाद आप अपने गूगल कैलेंडर का यूज़ करके अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वन इज क्लब यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम गूगल कैलेंडर का यूज़ करके अपने टाइम मैनेजमेंट के ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहता है आपका डेली रूटीन, उसको किस तरह से सेट करेंगे और किस तरह से अपने एक डेली रूटीन बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। सो दोस्तों, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको मेरे फ़ोन की डिस्प्ले देखने को मिल रही होगी। अब मैं यहाँ पे अपना जो कैलेंडर रहता है इसको मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ, जो कि गूगल कैलेंडर ही है। अब देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपका जो भी करेंट मंथ चल रहा है आपको सिंपली उसका जो डेट वाला व्यू रहता है उस पर आपको अपने सिस्टम को लेके आना है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे जो भी डे वाइज व्यू है, जो मेरे मंथ का अक्टूबर का, वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे अपना जो डेली रूटीन है उसको सेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अपना जो डेली वाला जो डे बेसिस का है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा अक्टूबर है, तो अक्टूबर में हमारा जो 5th of October है, जिसका कि हमारा जो डेली रूटीन है, मतलब जो डे वाइज इसका कैलेंडर है, वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अभी देखिए, हम यहाँ पे अपना जो डेली रूटीन सेट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 6th of October के अकॉर्डिंग। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, या हम आज ही से कर लेते हैं और अभी से करते हैं। तो देखिए किस तरह से आप अपना जो डेली रूटीन है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक डेमो देने वाला हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी 11:19 हो रही हैं। तो मान के चलिए कि अभी ये हमारे एक सोने का टाइम है, तो हम यहाँ पर 11 मतलब जो भी आपका 11:20 से लेके और सुबह 6 बजे तक हम यहाँ पर एक अपना स्लीप टाइम ऐड करते हैं, जो कि हमारा डेली रूटीन है। तो इसके लिए अभी हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हमारे पास स्लैब आ गया है। तो इस स्लैब पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आता है ऐड टाइटल का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम टाइटल डालते हैं स्लीप टाइम। ये मैंने यहाँ पे स्लीप टाइम डाल दिया है। अब उसके बाद ये यहाँ पे आपसे कह रहा है ऑल डे, या फिर आप यहाँ पे कोई टाइम इसको देना चाहते हो, कोई टाइम ड्यूरेशन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जो कि फ्रॉम है। तो फ्रॉम में हम जाते हैं अपने 5th of October, यहाँ पे करेंगे हम ओके। और यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पर हमको जाना है अपने जो हमारा समय दे रखा है, तो हम समय पे क्लिक करेंगे। अब समय पे जब हमने क्लिक किया है, तो अभी हमको यहाँ पे 11:20 से अपना टाइम लगाना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11:20, और इसको कर देते हैं हम PM। ऑलराइट, तो अब हमने ये PM कर दिया, इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो फ्रॉम वाला जो टाइम है वो हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम जो सेकंड है, जो 2 तक का है, अब उस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे 6th of October सेलेक्ट करेंगे, और देन हम यहाँ पे टाइम डालेंगे सुबह के 6 बजे, माने कि 6 AM। तो अभी हम यहाँ पे 6:00 AM, और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ओके हो चुका है। अभी आपको एक नीचे और ऑप्शन मिलता है कि डज नॉट रिपीट और रिपीट, मतलब जो आपने यहाँ पे डेली रूटीन सेट किया है कि आप इसको किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए रखना चाहते हैं, या आप अपने डेली टाइम के लिए रखना चाहते हैं, या फिर किसी कस्टम डे के लिए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि आपको एवरी डे के लिए चाहिए, या एवरी वीक के लिए चाहिए, या एवरी मंथ के लिए चाहिए, या एवरी ईयर के लिए चाहिए, या फिर आप यहाँ से कस्टम पे जाकर भी कुछ भी अपने जो भी डेज
सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी मेरे को यहाँ पे एवरीडे के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे एवरीडे क्लिक कर लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मेरे को लोकेशन वगैरह देनी हो वो मैं दे सकता हूँ। अब बात आती है रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे रिमाइंडर 5 मिनट से लेके और 1 डे बिफोर तक के आपको यहाँ पे रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं। साथ ही आपको कस्टम भी ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी रिमाइंडर का टाइम ड्यूरेशन है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिफोर 5 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है रिमाइंडर का वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह अपने अकॉर्डिंग कस्टम नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे अपने कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि आपको सुबह मॉर्निंग उठ के सबसे पहले क्या करना है, और यदि आप चाहें तो कोई अटैचमेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे हमने जस्ट अपना टाइम सेट किया, क्योंकि स्लीपिंग टाइम है तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हमने यहाँ पे कर रखा है 5th ऑफ अक्टूबर 11:20 से लेके और 6th ऑफ अक्टूबर 6 AM तक। तो अभी मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप नीचे की तरफ देखेंगे कि जो मेरा 5th ऑफ अक्टूबर है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ यहाँ पे मेरा ये लाइन बन चुकी है, जो कि मैंने स्लिप का जो एक डेली रूटीन है वो मैंने यहाँ पे सेट किया है। अभी मैं जाता हूँ 6th ऑफ अक्टूबर, तो 6th ऑफ अक्टूबर में हम जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लिप टाइम हमारा दे रखा है जो कि है 11:20 से 6 AM तक। ओके, तो अभी आप इसको देखेंगे कि आपका ये जो रूटीन आपने सेट किया वो आपको सारे डेज पे आपको यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिख रहा होगा। मतलब आप जब भी, अब ये फर्दर के लिए हो गया कि आपका ये डेली रूटीन बन गया है और आप इस तरह से अपना जो भी रूटीन है वो सेट कर सकते हैं। तो अब मैं फिर से इसको सेट करता हूँ, एक और रूटीन बनाता हूँ इसमें। ये तो हो गया हमारा स्लीप का। अब स्लीप के बाद हम देखते हैं, तो देखिए स्लीप का आ चुका है ये आपका, मतलब 12 बजे के बाद स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे 6th ऑफ अक्टूबर को 6 AM पे ये इसका कंप्लीट हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक और रूटीन सेट करते हैं कि जब हम सुबह 6 बजे उठेंगे तो हमें क्या करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ पे एड टाइटल आ गया। अभी यहाँ पे हम डालते हैं लाइक, ऑब्वियसली सभी लोग सुबह उठ के फ्रेश ही होते हैं, तो हम डालते हैं यहाँ पे गो टू फ्रेश एंड वॉक। तो ये हमने डाल दिया है। अभी इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि हमको 1 आवर और 1.5 आवर का टाइम हमें चाहिए। तो अभी 6 बजे का हमारा उठने का टाइम था, तो अभी हम यहाँ पे फिर से बिफोर जो हमारा फ्रॉम वाला टाइम पीरियड उस पर क्लिक करेंगे, 6th ऑफ अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा टाइम है, जो फ्रॉम वाला टाइम है, इसमें हम डालते हैं। अभी 6 बजे उठते ही उठते तो आप नहीं जाने वाले हो, तो थोड़ा बहुत टाइम तो आप भी लोगे। तो यहाँ पे हम 5 मिनट का एक यहाँ पे गैप रखते हैं। तो ये हमने 6 AM को किया सेलेक्ट और यहाँ पे 5 मिनट का हमने एक गैप दे दिया और ये AM। तो ये तो हो गया हमारा फ्रॉम टाइम। अब हम यहाँ पे एक डेढ़ घंटे एक साइकिल मानते हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरी जो हमारा 2 वाला टाइम है उस पर क्लिक करेंगे और 6 बजे से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 7:30 कर लेंगे, 7:30 AM। ओके, और इसको भी हम अपना जो डेली रूटीन है उसमें सेट कर देंगे। तो यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे एवरी डे। अभी इसको सेव करना है। अब सेव करने के बाद फिर से आप देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे सारे जितने भी आपके डेज रहेंगे सब में ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 10, 11 सब में आपको देखने मिल जाएगा। अभी इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी से इसके जो भी रूटीन है वो पूरे ऑल डे का एक रूटीन बना देता हूँ। सो गाइज, मैंने अपने जो भी मेरा कैलेंडर है उसमें मैंने अपना डेली रूटीन पूरा सेट कर लिया है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको नीचे किया, मतलब मेरा जो अक्टूबर का मंथ है मैंने वो आपको दिखा, तो यहाँ पे आपको डॉटेड दिख रहे होंगे सारी डेज पे। तो अभी देखिए जिस तरह से मैं इसको स्लाइड करता जा रहा हूँ तो नीचे ही मेरा जो चेंज है रूटीन वो चेंज होता जा रहा है। जैसे लाइक अभी हम जाते हैं 6th ऑफ अक्टूबर, तो 6th ऑफ अक्टूबर को हम आ गए हैं। अभी हमारा जो 6th ऑफ अक्टूबर है वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है रात के। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा 12 PM के बाद स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा स्लीपिंग का टाइम है। ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जो कि मेरा स्लीपिंग का टाइम है 6 बजे तक का। देन उसके बाद है गो टू फ्रेश एंड वॉकिंग, और उसके बाद फिर आता है आपका 7:30 बजे के बाद रिसर्च अबाउट वीडियो टॉपिक जो कि 8:30 बजे तक रह रहा है। 8:30 से फिर 9:30 का जो पीरियड है वो है रेडी फॉर ऑफिस, एंड देन उसके बाद 9:30 के बाद 6:30 बजे तक हमारा जो ऑफिस का टाइम है वो फिक्स है। उसके बाद फिर हम होम बैक आएंगे, तो उसका हमने यहाँ पे एक रूटीन सेट कर रखा है। देन वॉकिंग का कर रखा है। फिर ये जो नोट टाइटल है इसमें मैंने डिनर का किया हुआ है, तो इसको मैं डिनर कर देता हूँ एक बार फिर से। ये हमने डिनर कर दिया है, और डिनर के बाद फिर रिकॉर्ड वीडियो के लिए टाइम रखा है यहाँ पे।
और देन फिर हम अगेन 9:30 के बाद यहाँ पे स्लीपिंग के टाइम पे चले गए हैं। तो इस तरह से आप भी अपना पूरा का पूरा जो रूटीन है, पूरा का पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको आप अपने गूगल कैलेंडर से फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।